हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी को समझेंगे, जो कि बात करता है किसके बारे में, रेस जुडिकाटा के बारे में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप जुडिशरी के एग्जाम दो, चाहे आप एलएलबी के एग्जाम दो, या कहीं के भी एग्जाम दो, जहाँ पे भी आपके सिलेबस के अंदर सीपीसी आता है, तो उसके अंदर जो सेक्शन 11 है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो क्या बात करता है, रेस जुडिकाटा के बारे में। अगर आप एकदम बेसिक मीनिंग लो रेस जुडिकाटा का, तो वो मीनिंग क्या कहता है, वो मीनिंग ये बोलता है कि वंस द मैटर इज फाइनली डिसाइडेड, कि एक बारी अगर कोई मैटर फाइनली डिसाइड हो गया किसके द्वारा, कंपिटेंट कोर्ट के द्वारा, वंस द मैटर इज फाइनली डिसाइडेड बाय अ कंपिटेंट कोर्ट, नो पार्टी इज परमिटेड टू री ओपन इट इन अ सब्सिक्वेंट लिटिगेशन, कि तो कोई भी पार्टी जो सूट के अंदर थी वो उसको रीओपन नहीं कर सकती किसी सब्सिक्वेंट लिटिगेशन के अंदर, उसके बाद जो लिटिगेशन हो रहा है उसके अंदर। बेसिक मीनिंग यही है, इसी को हम और डिटेल के अंदर समझते जाएंगे कि भाई एक बारी अगर एक मैटर डिसाइड हो गया एक कंपिटेंट कोर्ट के द्वारा, फाइनली डिसाइड हो गया, अब कोई भी पार्टी उस मैटर को दोबारा से रीओपन नहीं कर सकती किसी सब्सिक्वेंट लिटिगेशन के अंदर, बस इतनी सी बात है। अब देखिए, ये जो वर्ड है रेस जुडिकाटा, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा, प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा को हम और क्या बोल सकते हैं, रूल ऑफ कंक्लूसिवनेस ऑफ जजमेंट। क्या बोल सकते हैं, रूल ऑफ कंक्लूसिवनेस ऑफ जजमेंट भी बोल सकते हैं, कि कंक्लूसिवनेस ऑफ जजमेंट की अब फाइनलिटी आ गई जजमेंट के अंदर, खत्म, इसके अंदर ये एंड है इसका, ठीक है। अब देखिए, ये जो वर्ड है रेस जुडिकाटा, अगर हम इसका मीनिंग समझे, जो इंग्लिश के अंदर इसका मीनिंग है, अगर आप रेस वर्ड देखोगे, रेस वर्ड को आप बोल सकते हो सब्जेक्ट मैटर या फिर डिस्प्यूट, दोनों मतलब निकलते हैं इसके, कि सब्जेक्ट मैटर या डिस्प्यूट, और जुडिकाटा का मतलब होता है डिसाइडेड। तो अगर आप इसको जोड़ के एक साथ बोलोगे तो क्या मतलब निकल रहा है, रेस जुडिकाटा का, डिस्प्यूट डिसाइडेड या सब्जेक्ट मैटर डिसाइडेड, कि जो बात थी वो क्या हो गई, डिसाइडेड हो गई, फाइनली जो मैटर चल रहा था वो डिसाइड हो गया। तो रेस जुडिकाटा वर्ड का मतलब क्या है, डिस्प्यूट डिसाइडेड या सब्जेक्ट मैटर डिसाइडेड, और ये तीन प्रिंसिपल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, जस्टिस इक्विटी एंड गुड कंसाइज। किसके ऊपर, जस्टिस इक्विटी एंड गुड कंसाइज। अब यहां पे हमारे सामने तीन मैक्सिम्स सामने आती है, एक मैक्सिम जो है वो प्राइवेट जस्टिस के ऊपर डिपेंड करती है, बाकी दो जो है वो पब्लिक जस्टिस के ऊपर डिपेंड करती है। प्राइवेट जस्टिस वाली कौन सी है, नेमो डेट बिस वेक्सरी प्रो उना एट एडम काउजा। इसका मतलब क्या है, नो मैन शुड बी वेक्स ट्वाइस फॉर सेम कॉज, की एक कॉज है उसके लिए किसी भी व्यक्ति के ऊपर दो बारी ट्रायल नहीं चलना चाहिए, उसको दो बारी सजा नहीं मिलनी चाहिए। अब कॉज क्या होता है, ये आपको पता ही है कि जिस कारण की वजह से आप कोर्ट में जा पा रहे हो उसको हम कॉज कहते हैं। तो उस कॉज की वजह से अगर आप एक बारी चले गए तो आप दोबारा बार बार नहीं जाओगे एक सेम व्यक्ति के अगेंस्ट। तो ये क्या है, प्राइवेट जस्टिस जो इंडिविजुअल के बारे में बात कर रही है, ये जो दोनों मैक्सिम है ये पब्लिक जस्टिस की बात कर रही है, जहां पे स्टेट की बात करोगे आप या पूरे जुडिशियल सिस्टम की बात करोगे आप। पहले क्या है, इंटरेस्ट रिपब्लिकाए उट सिट फिनिस लिटियम, इसका मतलब इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट दैट देयर शुड बी एन एंड टू लिटिगेशन, कि ये जो स्टेट है उसके इंटरेस्ट के अंदर है, उसके फायदे के लिए है कि जो लिटिगेशन है वो एंड होनी चाहिए, क्योंकि लिटिगेशन चलती रहेगी तो स्टेट के ऊपर ही सारा खर्चा, सारा जितना भार है वो आता रहेगा उसका, और वहाँ पे उनके जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ते रहेंगे, लिटिगेशन बढ़ती रहेगी, और एक ऐसा माहौल हो जाएगा जहाँ पे कि जो लड़ाइयाँ हैं वो सॉल्व होंगी ही नहीं। तो इसलिए ये स्टेट के इंटरेस्ट के अंदर भी है, ताकि सब जगह पीस मेंटेन रहे, सारी चीजें सही से चलती रहे, कि जो लिटिगेशन है वो एंड हो, खत्म हो, उसका एक अंत हो। और तीसरी है रेस जुडिकाटा प्रो वर्टिकेट एक्यूपिटर, इसका मतलब जुडिशियल डिसीजन मस्ट बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट, कि एक जो जुडिशियल डिसीजन है जिसको एक पूरे एक जज ने बैठ के अपना जुडिशियल माइंड लगा के इतने सारे चीजें सोच के उसके अंदर एक डिसीजन दिया, तो उसको क्या करना है, उसको एक्सेप्ट करना है कि वो करेक्ट है, वो सही है। ये नहीं कि उसने दिया और आप बोल रहे हो कि वो सही नहीं है, वो सही बात नहीं बोल रहा, आप फिर से कोर्ट में पहुंच के, आप दूसरे जज के पास पहुंच गए, जो भी कॉम्पिटेंट कोर्ट था, जब उसने अपना पूरा माइंड यूज़ किया, जो भी उसका जुडिशियल माइंड था, जो उसने इतनी प्रैक्टिस से डेवलप किया, जैसे भी उसने उसको सोचा, उसने सारे पॉइंट्स को देखे, तो अब वो जो डिसीजन दे रहा है वो क्या है, एकदम करेक्ट डिसीजन है। तो इन्हीं तीन बातों को ध्यान में रखते हुए ये सेक्शन 11 हमारे सीपीसी के अंदर ऐड किया गया, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा या फिर रूल ऑफ कंक्लूसिवनेस ऑफ जजमेंट भी बोलते हैं। अब मैंने आपको बिल्कुल शुरू में मीनिंग क्या बताया था, कि वंस अ मैटर इज फाइनली डिसाइडेड, कि एक बारी जब मैटर फाइनली डिसाइड हो जाता है बाय अ कंपिटेंट कोर्ट, नो पार्टी इज परमिटेड टू रीओपन इट इन अ सब्सिक्वेंट सूट, कि कोई पार्टी उसको सब्सिक्वेंट सूट के अंदर ओपन रीओपन नहीं कर सकती। जैसे अगर आपको एग्जाम्पल दूं, मान लीजिए ए और बी दो व्यक्ति है,
ए क्या करता है, ए बी के ऊपर सूट करता है, किस कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर करता है, क्योंकि इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उस कॉन्ट्रैक्ट को बी ने ब्रीच कर दिया, तो इस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कॉज लेके क्या करता है, बी के ऊपर सूट कर देता है कि भाई इसने कॉन्ट्रैक्ट जो है ब्रीच कर दिया, अब जो भी है वो रिलीफ मांगेगा अपना स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के हिसाब से या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से, तो यहाँ पे वो उसके ऊपर सूट करके रिलीफ ले लेगा। अब वो थोड़े दिन बाद फिर से कोर्ट पहुंच जाएगी, नहीं मेरे को जो रिलीफ मिला या जो भी चीज़ हुई है मेरे को सही नहीं लगी, आप दोबारा से इसके ऊपर डिसीजन दीजिए। तो यहाँ पे जब ये दोबारा पहुंच जाएगा कोर्ट के अंदर सेम कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर, तो फिर जो उसके ऊपर सब्सिक्वेंट लिटिगेशन हुआ वो कोर्ट के अंदर नहीं माना जाएगा, वो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि सेक्शन 11 CPC का उस सूट को रोक देगा, वो कहेगा कि भाई पहले ही ये फाइन मैटर जो था वो डिसाइड हो गया, बार बार आप सब्सिक्वेंट सूट इसके ऊपर फाइल नहीं कर सकते। यही बात यहाँ पे बोली गई है कि नो सब्सिक्वेंट सूट फॉर सेम कॉन्ट्रैक्ट, कि सेम कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप सब्सिक्वेंट सूट फाइल नहीं कर सकते। अब ये जो सेक्शन 11 है एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब कि हर चीज़ इसके अंदर कवर नहीं होगी हो गई, लेकिन ये सिर्फ क्या है, सिर्फ सिविल सूट्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है। हमारे जो CPC है हमें इतना पता है कि वो सब चीज़ों के लिए नहीं बना, वो सिर्फ किसके लिए बना है, सिविल सूट्स के लिए बना है, इसलिए जो सेक्शन 11 है वो भी क्या है, सिविल सूट के ऊपर अप्लाई हो रहा है। अब देखिए जब आप कोर्ट के पास जाएंगे, आप सेक्शन 11 की एप्लीकेशन लगाएंगे कि भाई एक व्यक्ति दोबारा से आके सेम पार्टी के ऊपर जो पहले डिसाइड हो गया था मैटर फिर से सूट फाइल कर रहा है, तो जब आप एप्लीकेशन लगाएंगे सेक्शन 11 की, तब आपको क्या क्या चीज़ें कोर्ट को दिखानी होंगी कि फुलफिल हो रही है, तभी जो कोर्ट है वो आपको रिलीफ देगा सेक्शन 11 का कि हाँ भाई ये सूट मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे सेक्शन 11 जो है वो एप्लीकेबल हो रहा है। तो आपको क्या क्या एसेंशियल्स दिखाने होंगे, आपको ये जो पाँच बातें हैं पूरी आपको दिखानी होंगी कोर्ट को कि हाँ ये पाँच बातें पूरी हो रही हैं। सबसे पहले जो मैटर इन इशू है जिसके लिए डिस्प्यूट अराइज हुआ है, मतलब जो भी डिस्प्यूट है, एक बात एक व्यक्ति ने असर्ट की दूसरे ने उसको डिनाई किया, तो ये जो इशू अराइज हुआ ये इस मैटर के अंदर जिसके लिए वो आया है और जो पिछला मैटर था दोनों के अंदर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली। कैसे? डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली सेम होना चाहिए। दूसरी बात, वो पार्टीज जो है सेम होनी चाहिए, जैसे ए और बी यहाँ पार्टी सेम होनी चाहिए। अगर ये दोबारा जा रही है, मान लीजिए सी आके इसके ऊपर सूट करता है, तो वो बात नहीं मानी जाएगी, पार्टी सेम होनी चाहिए। तीसरी बात, टाइटल सेम होना चाहिए, सेम चीज़ के ऊपर वो आ रहे हो कोर्ट के अंदर, कॉम्पिटेंट कोर्ट, ये नहीं कि जैसे ए ने बी के ऊपर सूट किया लेकिन वो कॉम्पिटेंट कोर्ट में नहीं किया, एक ऐसे कोर्ट में किया जहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं बनती थी सूट को चलाने की और उस कोर्ट में उन्होंने सूट कर दिया, तो अब वो किसी दूसरे जो भी ज्यूरिसडिक्शन का कोर्ट था, जो कॉम्पिटेंट कोर्ट था, वहाँ जाके अभी भी सूट कर सकते हैं, तो सेक्शन 11 एप्लीकेबल नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की ये जो केस था वो क्या होना चाहिए, हियर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड होना चाहिए, उसको सुन लिया गया हो कोर्ट के द्वारा और फाइनली डिसाइड हो गया हो, ऐसा ना हो कि अभी भी वो पेंडिंग पड़ा हो, तब सेक्शन 11 एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये सारी बातें आपको दिखानी होंगी जब भी आप सेक्शन 11 की एप्लीकेशन लगाएंगे। अब इसके पीछे ऑब्जेक्ट क्या है कि क्यों सेक्शन 11 को ऐड किया गया, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कि लिटिगेशन को एंड करने के लिए, जो हमने मैक्सिम के अंदर भी देखा था कि जो लिटिगेशन है वो एंड हो, ये नहीं कि बस चलती ही रहे चलती ही रहे चलती ही रहे। दूसरी बात, जो डबल जियोपार्टी का प्रिंसिपल है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कि प्रोटेक्शन अगर अगेंस्ट डबल जियोपार्टी की बार बार उसके ऊपर दोबारा से सेम चीज़ के लिए उसको सजा ना मिले, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी दिया गया है। और तीसरी बात, डिसीजन ऑफ कोर्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड एज फाइनल एंड करेक्ट, कि जो भी कोर्ट ने डिसीजन दिया उसको कैसे एक्सेप्ट किया जाए, फाइनल एंड करेक्ट एक्सेप्ट किया जाए, ये नहीं कि इसने जो डिसीजन दिया गलत है ये फाइनल नहीं है अभी तो मैं और सूट चलाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। अपील में जाने का राइट अलग है, लेकिन आप सेम टाइप के कोर्ट में दोबारा से जाके सूट नहीं कर सकते सेम कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर। दोस्तों ये जो रेस जुडिकाटा है ये कोई आज का कंसेप्ट नहीं है, रेस जुडिकाटा जो है एकदम नया कंसेप्ट नहीं है कि इसको पहली बार 1908 के अंदर CPC के अंदर डाला गया, ये एक बहुत ही पुराना कंसेप्ट चलता आ रहा है बहुत टाइम से, इसको इतना एंशिएंट है कि जो हमारा चाहे हिंदू लॉज हो मुस्लिम लॉज हो सभी जगह इसको देखा गया है। तो ये जो है इसकी हिस्ट्री जो है बहुत ही एंशिएंट हिस्ट्री है रेस जुडिकाटा की, चाहे इसके अंदर हिंदू लॉयर्स हो मोहम्मडन जूरिस्ट हो सभी ने इसको रिकॉग्नाइज किया, जैसे कि हिंदू लॉयर्स ने इसको पूर्व न्याय नाम से बोला, क्या बोला, पूर्व न्याय नाम से बोला, जिसका मतलब होता है फॉर्मर जजमेंट, कि किसी चीज़ के ऊपर अगर फॉर्मर जजमेंट है तो दोबारा से उसके ऊपर जजमेंट नहीं दिया जाएगा, एक जो डिसीजन है वो फाइनल रहेगा। अब देखते हैं कि जो जैसे रेस जुडिकाटा जैसी चीज़ कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होती है, चाहे ये सिविल सूट्स हों, चाहे कोई एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स हों, चाहे कोई आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स हों, टैक्सेशन से रिलेटेड कोई मैटर्स हों, या इंडस्ट्रियल एडजुडिकेशन से रिलेटेड कोई मैटर्स हों,
रिट पिटीशंस जो फाइल होती हैं, चाहे आर्टिकल 32 के अंदर हो, चाहे आर्टिकल 226 के अंदर हो, उन सभी के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स हो, सभी के ऊपर रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल होता है कि एक बार अगर उन्होंने जजमेंट दे दिया तो वो फाइनल है, करेक्ट है। तो इतनी बात हमें पता चल गई कि एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे है, इसकी हिस्ट्री क्या है। अब देखिए, आपने ऑर्डर 23 रूल 1 पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा तो वो विड्रॉल ऑफ सूट के बारे में है, जिसको हमने बहुत डिटेल में एक वीडियो के अंदर डिस्कस कर रखा है। ऑर्डर 23 के नाम से ही आपको मिल जाएगी। अब देखिए, ऑर्डर 23 रूल 1 के अंदर, वैसे तो ऑर्डर 23 में क्या होता है, हम अपने सूट को विड्रॉ करते हैं और साथ ही साथ हम क्या करते हैं, कोर्ट से परमिशन मांगते हैं या लीव ऑफ कोर्ट मांगते हैं कि हमें दोबारा परमिशन दी जाए कि हम कोर्ट के अंदर सूट फाइल कर सकें। लेकिन अगर आप विड्रॉ कर लेते हो सूट को विदाउट लीव ऑफ कोर्ट, आप कोर्ट से लीव नहीं मांगते, ये परमिशन नहीं मांगते कि हमें दोबारा से केस फाइल करना है, सूट फाइल करना है, तब आपके पास से आपका राइट चला जाता है कि आप दोबारा से सूट फाइल कर सके। लेकिन इस ऑर्डर 23 रूल 1 और रेस जुडिकाटा के अंदर डिफरेंस होता है। रेस जुडिकाटा के अंदर क्या होता है कि आपका जो केस होता है, सूट होता है, उसको सुना जाता है पूरा, वो सुना जा चुका होता है और फाइनली उसके ऊपर डिसीजन दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे आप अपनी खुद की मर्जी से उस सूट को विड्रॉ कर लेते हो। तो ये डिफरेंस होता है ऑर्डर 23 और रेस जुडिकाटा के अंदर, बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है। अब देखिए, जो हमने सेक्शन 10 पढ़ा था इससे पहले पिछली वीडियो के अंदर, और यहाँ पे हम रेस जुडिकाटा पढ़ रहे हैं। रेस जुडिकाटा हमें सेक्शन 10 11 के अंदर दिया गया और रेस सबजुडाइज हमें सेक्शन 10 के अंदर दिया गया। दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? जो रेस जुडिकाटा होता है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? मैटर एडजुडिकेटेड, जो मैटर डिसाइड हो चुका है, जिसके ऊपर जजमेंट आ चुका है। लेकिन जो रेस सबजुडाइज होता है उसमें ऐसा नहीं होता, वो क्या होता है, मैटर पेंडिंग फॉर ट्रायल, की अभी जो मैटर है वो ट्रायल के अंदर पेंडिंग है, चल रहा है या फिर अभी चलना बाकी है, तो उस जगह पे रेस सबजुडाइज एप्लीकेबल होता है। दूसरी बात, जो रेस जुडिकाटा होता है वो क्या करता है, बार्स ट्रायल ऑफ सूट और ऑन इशू विच हैज बीन डिसाइडेड इन फॉर्मर सूट, कौन से ट्रायल को, कौन से सूट के ट्रायल को वो बार करता है, रोकता है, जो पहले ही डिसाइड हो चुका है, जो बात मैंने आपको यहाँ पे भी बताई। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये कौन से ट्रायल को रोकता है, विच इज पेंडिंग डिसीजन इन प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट, जो एक प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट के अंदर जो पेंडिंग है उसको यहाँ पे रोका जाता है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस होता है रेस जुडिकाटा और रेप सबजुडाइस के अंदर। अब एक डिफरेंस आता है रेस जुडिकाटा और लिस पेंडिस के अंदर। रेस जुडिकाटा तो हम सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन लिस पेंडिस हम कहाँ पे पढ़ते हैं, सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। उसको डिटेल में समझना हो तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, मैंने उसके ऊपर वीडियो अपलोड कर रखी है। एक तरीके से जो सेक्शन 52 टीपीए का है, ये इसका एस्पेक्ट ही है रेस जुडिकाटा का, उसी की चीज इसके अंदर बोली गई है। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे, और बाकी अगर मान लीजिए अगर दोनों चीजें एक साथ एप्लीकेबल हो रही होंगी तो रेस जुडिकाटा जो है वो लिस पेंडिस के ऊपर प्रिवेल कर जाएगा। आप देखिए, एग्जांपल समझाता हूँ आपको, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। मान लीजिए ए ने बी के ऊपर एक सूट किया और बोला कि ये जो प्रॉपर्टी है, अगर जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, ये एक्स नाम से प्रॉपर्टी है, इसके लिए बोला कि इसका जो ऑनर है वो मैं हूँ, बी के ऊपर ये सूट करता है। अब ये प्रॉपर्टी बी के ही पोजिशन के अंदर थी, बी इसके ऊपर चढ़ के बैठा हुआ था। बी इतने में क्या करता है कि वो प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफर कर देता है, सी को ट्रांसफर कर देता है जब अभी ये सूट पेंडिंग पड़ा था। अब ये प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफर कर देता है तो यहां पे लिस पेंडिस कैसे एप्लीकेबल होगा? मान लीजिए कि ये जो प्रॉपर्टी थी ये फाइनली किसके हिस्से में आ जाती है, जब सूट डिसाइड होता है तो ए के फेवर में डिसाइड हो जाता है। तो यहाँ पे अब सी ये नहीं बोल सकता कि ये जो प्रॉपर्टी है मैंने बी से खरीदी है, ये ए प्रॉपर्टी मुझे दे दे, ये नहीं बोल सकता, क्योंकि लिस पेंडिस का प्रिंसिपल एप्लीकेबल है। क्योंकि अभी ये जो इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अगर ऐसी कोई चीज़ होती है, इसको पता था कि एक सूट इसके ऊपर पेंडिंग है और जो भी उस पेंडिंग सूट का डिसीजन होगा वो उसके ऊपर फाइनल होगा। लेकिन मान लीजिए अब इसके ऊपर रेस जुडिकाटा कैसे प्रिवेल करेगा, मान लीजिए कि अब यहाँ पे ऐसे बी प्रॉपर्टी के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ था, इसी बीच बी क्या करता है, प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफर कर देता है। अभी ए ने इसके ऊपर सूट नहीं किया, अभी सिर्फ बी ने प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफर की और सी को ऐसा कुछ पता चलता है कि ये बी की प्रॉपर्टी नहीं है या बी की प्रॉपर्टी है, ऐसे कुछ गड़बड़ है इसके ऊपर, तो सी जो है बी के ऊपर सूट कर देता है और फाइनली ये सूट जो है सी के फेवर में आ जाता है। ठीक है, अब ए जो है आके बी के ऊपर सूट करता है कि नहीं जी ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो यहाँ पे इस जगह पे रेस जुडिकाटा प्रिवेल कर जाएगा और ये प्रॉपर्टी किसकी कहलाएगी, सी की कहलाएगी। मतलब कि मान लीजिए
कि ये प्रॉपर्टी बी के फेवर में आती है कि भाई ये प्रॉपर्टी बी की थी, तो फिर यहाँ पे ये प्रॉपर्टी किसकी मानी जाएगी, सी की मानी जाएगी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बी ने सी को ट्रांसफर कर दी। फिर ए जो है इसके ऊपर सूट आके नहीं कर सकता और ये नहीं बोल सकता कि ये प्रॉपर्टी मेरी थी। तो इस तरीके से रेस जुडिकाटा जो है लिस पेंडिस के ऊपर प्रिवेल कर जाता है। तो यहाँ पे अभी हमने देखा कि क्या हिस्ट्री है, फिर उसके बाद हमने देखा कि किस किस जगह पे एप्लीकेबिलिटी है, ऑर्डर 23 कैसे होता है, उसके बाद रेस जुडिकाटा और रेस सबजुडाइज में डिफरेंस देखा, डिफरेंस देखेंगे किसके बीच में, रेस जुडिकाटा और एस्टॉपल के बीच में। रेस जुडिकाटा अभी तक हम इतना सारा हमने समझा कि रेस जुडिकाटा क्या होता है, कि जब कोर्ट फाइनली किसी मैटर को डिसाइड कर देता है, जो कॉम्पिटेंट कोर्ट होता है, तो जो पार्टीज होती हैं वो किसी सब्सिक्वेंट लिटिगेशन के अंदर उस मैटर को रीओपन नहीं कर सकती। तो हमें ये समझ आया कि जो रेस जुडिकाटा है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल है, कोर्ट के डिसीजन के ऊपर एप्लीकेबल है। वहीं जब हम सेक्शन 115 पढ़ते हैं एविडेंस एक्ट का, जिसके अंदर हमें ये पता चलता है कि जो एस्टॉपल है वो ये बोलता है कि जब कोई बात एक बारी किसी पार्टी के द्वारा बोल दी गई तो वो उससे मुकर नहीं सकती। तो मतलब कि ये जो एस्टॉपल वाली बात है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल हो रही है, एक्ट ऑफ पार्टीज के ऊपर एप्लीकेबल हो रही है, कि उन्होंने एक बारी एक्ट कर दिया अब वो उस एक्ट से मुकर नहीं सकते। वहीं जो रेस जुडिकाटा होता है वो क्या करता है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स को बार करता है कि बार बार कोर्ट के अंदर सूट ना आए। लेकिन जो एस्टॉपल होता है वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन को रोकता है कि भाई बार बार, जैसे ए पार्टी ने एक बार ये बात बोली, फिर से वो आके दूसरी बार ये बात बोल रहा है, फिर ये बात बोल रहा है, तो ये जो बार बार रिप्रेजेंटेशन हो रही है इसको रोकने की बात हो रही है। वहीं जो रेस जुडिकाटा होता है वो प्रोहिबिट्स करता है एवरिंग सेम थिंग ट्वाइस इन सक्सेसिव लिटिगेशन, कि जो अगला लिटिगेशन हुआ उसके अंदर दोबारा से सेम दावा किया जाए, उस बात से ये प्रोहिबिट करता है। लेकिन ये जो है सिर्फ क्या है, एक रूल ऑफ एविडेंस है, जो कि जो पार्टीज हैं उनको चुप करने के काम करता है कि भाई तूने एक बार ये बात बोल दी, अब दोबारा तेरी बात नहीं सुनी जाएगी, तूने जो एक बार ये बात बोली वो बात पे हम तेरे भरोसा करेंगे, तूने जो एक बात बात बोली है वो सच बात है, इस चीज़ के लिए एस्टॉपल बनाया गया। वहीं जो रेस जुडिकाटा होता है वो क्या प्रिज्यूम करता है कि जो फॉर्मर सूट के अंदर डिसीजन दिया गया वो क्या है, सही है, वो ट्रू है, इस बात को ये प्रिज्यूम करता है। वहीं जो एस्टॉपल होता है वो क्या करता है, प्रिवेंट्स पार्टी फ्रॉम डिनाइंग वंस ही हैज कॉल्ड द ट्रुथ। अब अपनी बात से नहीं मुकरेगा, तूने एक बार ये बात बोली, तूने सच बात बोली, अब तू बार बार ये नहीं बोल सकता कि अब मैं नहीं, वो बात ये थी, अब ये बात ये थी, ऐसे नहीं करना। जो बात एक बार बोल दी अब उस बात से हटना नहीं है, जो तूने एक बार बात बोली वो सच बात बोली। तो यही जो है डिफरेंस है रेस जुडिकाटा और एस्टॉपल के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं रेस जुडिकाटा और स्टेर डिसाइज के अंदर क्या डिफरेंस है। बहुत ही इजी सा डिफरेंस है और बहुत छोटा सा डिफरेंस है कि रेस जुडिकाटा क्या होता है, वही एक बारी कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, अब उसके ऊपर आप दोबारा से सूट नहीं कर सकते। मतलब कि जैसे अगर ए और बी के बीच में सूट हुआ था तो उन पार्टीज को बाइंड कर दिया गया कि भाई ये अब तुम्हारा फाइनल डिसीजन है, अब दोबारा से आप कोर्ट के अंदर सूट फाइल नहीं करोगे। मतलब कि एक स्पेसिफिक कंट्रोवर्सी थी, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था, ए ने बी के ऊपर सूट किया कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरी है इसके टाइटल के लिए, तो बस एक बार ये कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि ये प्रॉपर्टी ए की है तो खत्म बात है, बी दोबारा से सेम कोर्ट में जाकर नहीं बोलेगा कि दोबारा से डिसाइड करो। वहीं जो स्टेयर डिसाइड है वो क्या होता है, टू अपहोल्ड प्रिसीडेंस, मतलब हाई कोर्ट ने कोई बात बोली या सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात बोली, कोई फैक्ट या कोई लॉ जो है उसने डिसाइड कर दिया जो कन्फ्यूजन थी, अब वही चीज़ जो है सारे नीचे वाले कोर्ट्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होगी। वही फैक्ट्स अगर इधर कोर्ट में आ रहे हैं, लोअर कोर्ट में आ रहे हैं, तो वो उसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। मतलब कि चाहे वो पार्टीज हों जिनके अंदर वो डिसीजन आया था, या फिर उनके अलावा कोई भी पार्टीज हो, कहीं कोई भी सूट फाइल होगा, चाहे वो स्ट्रेंजर्स हैं कोई भी है, सबके ऊपर वो बात एप्लीकेबल होगी जो कोर्ट या प्रेसिडेंट्स हैं। तो ये क्या है, बाइंडिंग ऑन स्ट्रेंजर ऑल्सो, और एक तरीके से लीगल प्रिंसिपल को टच करता है कि भाई कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोल दी तो वो सभी लोअर कोर्ट्स के ऊपर आप उसको एज अ प्रेसिडेंट शो कर सकते हो कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी तो आप भी ऐसा ही करो। तो स्टेयर डिसाइज ये चीज़ होती है तो एक तरीके से सेम थिंग, लेकिन है बहुत बड़ा डिफरेंस दोनों के बीच में। और जो सेक्शन 11 है ये एक तरीके का मैंडेटरी सेक्शन है।